हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 9 में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन तक अपन डिस्कस कर चुके थे, अब हम देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे गिव बिलो अ सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल व्हिच आर द मिसिंग स्टेप एट देम। जैसा कि इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जिसे स्टेप दिए गए हैं सब आपके, इसमें कुछ स्टेप मिसिंग है जिसको हमको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें शेयरिंग है, शेयरिंग के बाद क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर में आपका होगा कि शेयरिंग के बाद क्या होता है, स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग के बाद क्या होता है? अब यहाँ पे सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग के बाद क्या होता है, पिकिंग होता है, पिकिंग ऑफ फर्स होता है। उसके बाद क्या होता है, डाइंग, यहाँ पे डाइंग ऑफ फाइबर्स होता है। उसके बाद होता है मेकिंग ऑफ यार्न होता है। ये सारे स्टेप हैं इसको जिसको बताया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मेक ए स्केच ऑफ द टू स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब इसमें पूछा गया है इसके दो स्केच बनाने हैं, दो जिसमें क्या होता है आपके स्टेज लाइफ हिस्ट्री बताना है सिल्क मॉथ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आइए हम इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे टू स्टेप में बताया गया है। टू स्टेप स्टेज में पहला है कोकून्स होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोकून्स में क्या होते हैं, प्रोटीन युक्त जो होते हैं स्टोर होते हैं, जो कि हवा कॉन्टेक्ट में आने के बाद यह क्या होते हैं, कड़क हो जाते हैं, जिसमें इसमें सिल्क फाइबर कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है सेकेंड में क्या है, कोकून विद द डेवलप मॉथ। अब उसके बाद क्या होता है, इस कोकून के अंदर क्या होता है, मॉथ डेवलप हो जाते हैं, और डेवलप होने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से इसको कोकून को फोर कर निकल जाते हैं। तो निकलने के बाद क्या होता है, कोकून में सिर्फ सिल्क फाइबर रह जाते हैं, जिसको आपको पता ही है कि इसको वार्म करने के बाद इसको निकाला जाता है सिल्क फाइबर के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में क्या पूछा गया है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग से कि टू टर्म्स जो होते हैं रिलेटेड होते हैं कौन कौन से है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे शेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सीविकल्चर। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हिंट्स में देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सिल्क प्रोडक्शन जो होता है इन्वॉल्व होता है कल्टिवेशन ऑफ द मलबेरी लीव्स। अब सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, आपको पता है कि सिल्क वर्म जो रहते हैं मलबेरी लीफ पे रहते हैं एंड रियरिंग सिल्क वर्म, और इस पर सिल्क वर्म रहते हैं आपको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइंटिफिक नेम्स ऑफ द मलबेरी इज मोरस अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके आगे यहाँ पे देखिए, तो इसमें आपके आंसर में होगा कि इसमें दोनों ही होंगे, आपके सेरिकल्चर होंगे और मोरिकल्चर होंगे। मोरिकल्चर वही होता है जैसे कि आपको बताया हमने कि मलबेरी लीफ जहाँ होते हैं उसमें जो सिल्क वर्म रहते हैं इसको मोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8th में देखिए, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विथ दोज गिवेन इन कॉलम्स। ठीक है, सेकेंड, तो फर्स्ट कॉलम में आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है स्कोरिंग। स्कोरिंग को हम किससे मैच करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। ठीक है, ये स्कोरिंग हो गया, मतलब कि फर्स्ट वाले को हम किससे मैच करेंगे, यहाँ पे ई से। ठीक है, अब देखिए मलबेरी लिप्स को किससे हम मैच करेंगे, फूड ऑफ सिल्क वर्म। क्या होता है मलबेरी लिप्स, फूड ऑफ सिल्क वर्म का फूड होता है, तो इसको हम सी से मैच करेंगे, सेकंड वाले को सी से मैच करेंगे। ठीक है, याक, अब इसमें देखिए याक में क्या होता है, याक में क्या होता है, यहाँ पे ओल एल्डिंग एनिमल। अब याक से क्या होता है, हमें ओल प्राप्त होता है, तो इसमें हम बी वाले को मैच करेंगे, थर्ड वाले से बी को मैच करेंगे। ठीक है, अब क्या है कोकून, कोकून क्या होता है, एल सिल्क फाइबर। कोकून से क्या मिलता है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिल्क फाइबर मिलता है, तो इसे हम ए वाले में मैच करेंगे। अब उसके बाद है रीलिंग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन बिलो अ क्रॉस वर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, स्पेस विद द लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड। ठीक है, आइए हम पजल्स को इसमें यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे
देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे थ्रो वॉशिंग क्या कहते हैं, वॉशिंग का जो है आपका कनेक्शन किससे होता है। यहाँ पे आंसर बताया गया है एक्केप्स वर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्रो वाले का आंसर यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे केप्स वर्म, ठीक है। एक रश इसको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड में यहाँ पे एनिमल फाइबर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमल फाइबर्स के लिए देखिए, यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे बताया गया। हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए यहाँ पे डाउन और क्रॉस दिया गया है। तो डाउन और क्रॉस में देखिए, डाउन मतलब कि नीचे की तरफ जो होगा पजल बनेगा ये, और क्रॉस मतलब लाइन में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम थ्रो वॉशिंग में, देखिए यहाँ पे आपका आंसर में बताया गया पजल में, यहाँ पे डाउन में क्या होगा, यहाँ पे थ्रो वॉशिंग में यहाँ पे ये स्कोर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्रॉस में क्या दिया है, कीप वर्म, ठीक है। तो कीप वर्म में देखिए क्रॉस में क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे ओल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, आपके पजल यहाँ पे बनाकर बताया गया है, तो आप इसको आंसर में देख सकते हैं कैसे कैसे इसको बनाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।